नमस्कार सभी भाई और बहनों को। नमस्कार सभी भाई और बहनों को। तो मैं अभी आंवला, रीठा और शिका का ही तैयार करी हूँ बाल धोने के लिए। ये रीठा है, इनमें से इस तरीके से कूट कर मैं बीज निकाल रही हूँ। एकदम बेज जैसे हैं, खाने का मन कर रहा है। ये बीज निकाल देंगे और ये जो बच गए हैं इनको हमें कूट कर पीस लेंगे। जैसे कि ये मैंने शिका का ही पीस लिया है, तीनों को शिका का ही, ये रीठा और ये आंवला, ये भी पीस रही हूँ। और इन बॉल्स से कंचे भी खेल सकते हैं। हाँ, इसे तुम खेल लेना, ठीक है। अब इनको कूट लेंगे, बाद में मिक्सी में पीसेंगे। ये तो सो रही है, ऐसे ना दो आंवला है, मैं दो पीस। मम्मी ने पीस लिए हैं, अभी डब्बे देख रहे हैं किसके अंदर डालें इसके। ये सिक्का का ही कूट कर पीस ली है, तो ये एक डब्बे के अंदर डाल देंगे। ये सिक्का का ही और रीठा को एक साथ भी डाल सकते हैं, तो मैं रीठा को भी पीस कर इसी के अंदर डाल के रख दूंगी। ये बोल जैसी है, बहुत अच्छी लग रही है मेरे को। बहुत अच्छी बात है। वास करिया दांत आवे, ये भाव देखो। इसके दांत आ रही है। ये अभी आंवला कूट रही हूँ। मम्मी ने पीस लिए हैं, आंवला कूट लिया अभी। ये मेरे पास पुराने आंवला भी हैं, ये इसके अंदर थोड़ा मिक्स कर लेते हैं। अच्छे से नहीं पीसते हैं आंवला। रीठा और शिका के अच्छे से मतलब बारीक हो गए, लेकिन ये बारीक नहीं होते हैं। चलिए देखते हैं अभी। अच्छा इधर पीसीज गए की मोटा है, पर शायद पीसीज जी और भी सा। पहले मैं आंवला से ही सिर धोती थी, तो मेरे बाल जो लंबे हो गए थे, घने भी हो गए थे। इस बार क्या है कि काफ़ी 4-5 महीने हो गए, मैंने थोड़ा आलस कर लिया और शैम्पू से बाल धोने लगी, तो मेरे बाल झड़ने लग गए हैं अभी। तो वापस ये मेहनत कर रही हूँ, मेहनत करते हैं तभी उसका फल मिलता है, बिना मेहनत के तो नहीं मिलता है। तो ये मेहनत करके मैं तैयार कर रही हूँ बाल धोने के लिए, और अब से रेगुलर मैं इनसे ही बाल धोऊँगी, आंवला, रीठा और शिका का ही। कैसे धोते हैं, कैसे तैयार करते हैं, वो भी आपको मैं दिखा दूंगी आगे की वीडियो में। आसो ये तैयार करके मैं रख रही हूँ। तो ये मैंने आंवला इस डिब्बे के अंदर डाल के रख दिए हैं। अभी 4-5 दिन की छुट्टियां और हैं, तो वंदना फिर से घर चली गई है। 4-5 दिन और दादी माँ के पास रह कर आएगी, फिर तो स्कूलें खुलने वाली हैं, 4-5 दिन और है। और वंदना पापा गए हैं आज तेल निकलवाने के लिए, सरसों का तेल निकलवा कर लेकर आ रहे हैं, कच्ची गानी का लिए आते हैं। निकलवा के अटी अटी आंगन में रुक जाओ। अरे माँ बेटा, ये तो निकले बुरा 14 किलो कितना? 1 किलो को 300 ग्राम तेल निकले। सरसों की थी 50 किलो 50 किलो एक तेल ले लिया, क्यों घंटा ढाई लाख की एक तेल ले गया। अब और कौन है? सरसों का तेल कच्ची गाने का निकल हुआ जी, कलर भी चेंज हो जी, एकदम प्योर है। 50 किलो सरसों का, 14 किलो तेल निकले थे, 1 किलो 300 ग्राम ये हो गया। मैं निकालने को तेल निकाले, ये मटर छोड़ दिए, ये बोल के हर सटा निकाल दिया, हर को हम केगा सच छोड़ो, आप पैसे कौन खा घर ही। तो ये कच्ची गानी का तेल इस बार तो हमने थोड़ी सी लेट कर दी है, वरना सरसों निकालते निकलवा लेते हैं, क्योंकि पिछले साल का मेरे पास पड़ा हुआ था। अभी तक सरसों निकालने के बाद ये तेल निकलवा लेते हैं, और एक साल के लिए काफी होता है। अब घर भी पहुंचा देंगे दिमाग के पास में, और ये घर रख लूंगी। अगली बार सरसों निकलेगी तब तक के लिए इतना तेल काफी है, बाजार से तेल नहीं लेकर आते हैं, बाजार में मिलावटी तेल मिलता है।
अभी मैं बना रही हूँ चाय बंदरे पापा के लिए, और बाबू खा रही है आम, आम चूस रही है अकेली। आज क्या बना मिट्टू सामने सामने बता सामने नमकीन चावल हाँ। तेरे पसंद है हाँ। गर्मा गर्म चाय लियो तो पढ़ ली है बॉल पटक दे ली मैं जब आऊँ गोतम कीड़ी हुई क्या बना रहा नमकीन चावल अटर खीर बना रहा नहीं हाँ नहीं सही रही हाँ क्या माव बना माव कौन बना ना माव कौन खा रहा है मैं खाई हूँ मम्मी खाए थे ना खाया अटर खीर बना दे मम्मी दो की चलेगी नहीं मावा बना कल्पना को मावा पसंद है तो मावा बना के दे रही हूँ इसको लुकाछिपी पे खेले राजमा ने जो भेजा था वो तो खत्म हो गया हाँ घर पर भेज भी है तो मावा निकला था छुप सी की तुम जा छुप जा पांच ही गिन गए ठीक है ये मिट्टी के बर्तन में बना रही हूँ नमकीन चावल प्याज काट लिए हैं यही पे झुक रही है मुझे दिखाई दे रही है यहाँ पर बाहर चलो बाहर तो झुक खड़ी है अड्डी आगे झुक है ये नमकीन चावल बनकर तैयार हैं ये मावा अभी तक नहीं बना है ये मावा बना लिया है तो थोड़ी सी पतली मैंने रबड़ी जैसे रखी है ऐसी अच्छी लगती है क्या लगा बाबू तेरा बेजा स्वाद लगा है ये रबड़ी जैसी बना दी बनेगी और ये नमकीन चावल आज तो दोनों चीज बाबू पसंद की पसंदीदा भोजन होने बाबू तो इस वीडियो का एंड मैं यहीं पर कर रही हूँ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर तब तक के लिए धन्यवाद वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना थैंक यू